वेलकम टू बॉलीवुड आई एम सोनू दोस्तों मैं वुड सेलेक्ट पर सुमेर सिंह केस फाइल्स गर्लफ्रेंड्स नाम का नया सीरीज देखने का कोशिश कर रहा था दोस्तों ये सीरीज देख के ऐसा लगा जैसे एम स्प्लिट्स मिला और एम टीबी को मिला के वड़ापा बनाने का कोशिश किया है वेरी वेरी डिस एंड ऑल्सो क्वाइट सैड टू सी वूड सेलेक्ट पुटिंग अप सच बिलो एवरेज बिलो पार एंड सब स्टैंडर्ड क्वालिटी वाला कॉन्टेंट ऑन देर प्लेटफॉर्म क्योंकि वोट सेलेक्ट अच्छा अक्सर अच्छा, अच्छा है इन टर्म्स ऑफ पुटिंग अप गुड कॉन्टेंट और इंटरनेशनल कॉन्टेंट भी है उनके प्लेटफॉर्म पर तो यार आई डोंट अंडरस्टैंड वाई वुड दे गो विदो लाइक दिस विच इज एप्सल्यूटली गोइंग नो वेर राइट फ्रॉम द वेरी आउटसाइड राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एंड यू गेट टू नो दैट वेरी इजिल इनफैक्ट मुझे क्या लगता है ना दोस्तों आज की तारीख में ओ टी टी वो के पास ना इंडियन कॉन्टेंट के लिए बहुत ज्यादा स्पेस है तो यार क्वालिटी कंट्रोल नाम का चीज होता नहीं है उनके पास यार आओ कंटेंट डालो बस बनाओ इंडियन कंटेंट बनाओ 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 हम भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे क्वालिटी व्वालिटी गया भाड़ में क्वालिटी बाद में देखेंगे आप पहले भरो शायद यही सबका मंत्र है यही सबका फॉर्मूला है इसलिए यार इतना सारा बिलो एवरेज कंटेंट हमें आज के तारीख में देखने मिलता है हर एक इंडियन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं तो बाई वुड समवन इवन बाय सब स्टैंडर्ड कॉन्टेंट इज बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग एनीवेज ये सीरीज की अगर मैं बात करूँ यार राइट एट द वेरी आउटसेट रणविजय सिंह प्लेज अ पुलिस ऑफिसर यार रणविजय सिंह जैसा इतना अच्छा पर्सनैलिटी वाला एक्टर है आपके पास आप उनको एक डेयरिंग डैशिंग डायनामिक दबंग वाला पुलिस ऑफिसर बना सकते थे वो पहला जो सीन है उनका जिसमें ही इज चेजिंग अ थग अगून वो इतना अच्छा मौका था टू एस्टेब्लिश रणविजय कैरेक्टर एज अ नू नॉन सेंस पुलिस ऑफिसर हु डेरिंग एंड डैशिंग But जिस तरह से वो चेस को आप लोग ने फिल्म किया है शूट किया है उसमें ना थ्रिल है ना एक्साइटमेंट है ना मजा है ना चेस है कुछ नहीं है यार आई I मीन mean, वो एक एड्रिनालिन रश जो होना चाहिए ऐसे सब चेस सीक्वेंस में दैट वेंट कंप्लीटली मिसिंग और वो चेस सीक्वेंस में वो गुंडा जिस तरह से भाग के जाता है रणवीर जो उसके पीछे भाग रहे हैं और फाइनली वो गुंडा जाके छुपता चुप, का है लड़की के पीछे लड़की के पीछे छुपने के बाद ऐसा 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 छुपता हुआ जैसा हाइड एंड बच्चे लोग खेलते ना यार यार बिल्डिंग में वैसा इज दिस फिर फाइनली रणविजय उसको पकड़ के लेके जाते उन, उन, उनका टीम पकड़ के लेके जाते हैं यार दैट इन इनफ ह्यूज डिसमेंट एंड इट रियली रियली पुट माई मूड ऑफ मैं बोला यार ये कैसा सीरीज बनाया यार ये कैसा स्टार्ट दिया है यार दिस इज नॉट द स्टार्ट दैट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ सीरीज दैट वन वुड सेलेक्ट एंड नंबर टू रणविजय और वो लड़की में किस तरह का केमिस्ट्री है केमिस्ट्री का सी भी नहीं है ही लुक्स लाइक अर एल्डर ब्रदर यार आप रोमांस दिखा रहे हो केमिस्ट्री दिखा रहे हो केमिस्ट्री कुछ नहीं है यार बिल्कुल मजा ही नहीं है तो फिर कहां से सीरीज आगे बढ़ेगा एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट ऑल ऑल गर्ल्स लुक लाइक कंटेस्टेंट्स फ्रॉम रोडिस और उनका एक्टिंग भी वैसा था स्क्रीन प्रेजेंस नाम का चीज नहीं डायलॉग डिलीवरी कुछ नहीं एक्टिंग भी एकदम एकदम एवरेज है बिल्कुल मजा नहीं आया यार आप रणबीर जी को छोड़ दोगे वो स्टिल सिंसियर इन दिस एफर्ट टू एक्ट इस रोल आउट द रेस्ट ऑफ द स्टारकास्ट

दो चुम्मा चाटी इधर दो उधर देखा वो आदित्य आर्या जो एक आई थिंक मिस इंडिया शायद मिस इंडिया रही है उनका एक तो किसिंग सीन से, वो सीन का ही कुछ मतलब मतलब ही नहीं बना यार नो सिग्निफिकेंस नो रिलिवेंस एट ऑल एंड सरप्राइज टू सी आदित्य डूइंग ऑल दिस थिंग्स यार मतलब हाउ इज इट एनहैंसिंग योर केपेबिलिटी और योर पोटेंशियल एज एन एक्ट्रेस आई डोंट नो डिसअपॉइंटेड डिसअपॉइंटेड ह्यूजली आई डिस एक्सपेक्टिंग अच्छा होगा मजेदार होगा थ्रिलिंग होगा एंगेजिंग होगा क्योंकि डन इट करके हुआ मार्केट किया था ये सीरीज को बट क्या डन डन इट इट यार यार में ना यू शुड ऑलवेज कीप ऑडियंस ऑन टेंटर हुक्स ऑडियंस शुड प्ले द गेसिंग गेम एंड प्लस शुड बी दैट रश दैट एडल रश दैट थ्रिल दैट एक्साइटमेंट विच इज वॉट कीप्स ऑडियंस एंगेज अदरवाइज देर इज नो पॉइंट इन मेकिंग अ डन इट वन स्टार फ्रॉम मी फॉर दिस पर्टिकुलर सीरीज अगर आप लोग देखोगे तो मुझे जरूर पता ना सीरीज कैसे लगा फॉर द मोमेंट टाटा